वेलकम टू बीना रावल रेसिपी। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के सिंबल पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, बीना रावल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई चटपटा चना मसाला चाट, जो बनाने में बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है। चने हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एक कटोरी चना अगर हम भिगो कर खाए रोज़ाना और उसमें से हमें बहुत ही प्रोटीन मिलता है। तो चलिए आज हम चने की एक नई रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं मुंबई चना मसाला चाट। मुंबई चना मसाला चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चने। मैंने ब्राउन चने लिए हैं, इसमें आप हरे चने भी ले सकते हैं। चने को लेकर हमें इसे 4 से 5 घंटे पानी में भिगो कर रखना है और इसके बाद हमें इसे कुकर में बॉईल कर लेना है। 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च, 1 ऑनियन यानी कि प्याज और 1 कच्चा आम, आम बड़ा हो तो आधा ही लेना है और छोटा हो तो 1 कच्चा आम लेना है। सबसे पहले हम भिगोए हुए चने को बॉईल करने रख लेते हैं। चने को बॉईल करने के लिए कुकर में डालेंगे, उसमें पानी डालना है। पानी 2 से 3 गिलास। और स्वाद अनुसार नमक। उबालते समय नमक डालने से चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेते हैं और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। चने को मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी तक पकने देना है और चने जब तक बॉईल होते हैं तब तक हम टमाटर, हरी मिर्च और अनियन चॉप कर लेते हैं। 4 सीटी हो चुकी है, कुकर में से हवा भी निकल चुकी है। अब हम कुकर को खोलकर देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि चने पककर तैयार है, फिर भी हम इसे हाथों से चेक करके देखेंगे, इस तरह से दबा कर देखेंगे कि चने पक चुके हैं कि नहीं। तो हमारे चने पककर तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और आगे की प्रोसेस करेंगे। चने को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम मुंबई चना मसाला चाट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में चने ले लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर है, इसमें से हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, बारीक कटी हुई कच्ची आम भी थोड़ी सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, नमक, नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने चने में नमक डाला है, इसलिए हम नमक थोड़ा सा ही डालेंगे। सेव, रतलामी सेव ली है मैंने। अब इसमें से हम थोड़ी सी सेव डालेंगे, हरा धनिया, थोड़ा सा लेमन जूस, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च हमने डाली है इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर कम डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा मुंबई चना चाट मसाला।